बहुत मजबूर हो गई हूँ। सबके सामने मैं बेचारी प्रज्ञा के आंसू भी नहीं पहुंच सकती। ऐसे में मैं उसको उसका मकसद कैसे याद दिलाऊं? अरे बहन खोई है उसने अपनी। इतने बड़े सदमे के बाद मुझे नहीं लगता कि ये सब करने के लिए उसके पास थोड़ी भी हिम्मत बची होगी। देख अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं और स्वार्थी नहीं बन सकती। मैं उसको उसका मकसद पूरा करने के लिए नहीं बोलूंगी। मुझसे नहीं होगा पूरा, मुझसे नहीं होगा। दादी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा, मैं जाके उनसे बात करूंगा। दादी मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, बहुत हो गया। अरे पूरा मेरी बात तो सुन बेटा। मुझे नहीं समझ में आ रहा पूरा मैं और क्या करूं। बाहर जाकर सबके सामने खुश होने का हंसने का नाटक कर अब तक करती आई थी पूरब, लेकिन बुलबुल के जाने के बाद न तो वो नाटक करने की मुझ में हिम्मत है, ना ही जीने की कोई वजह। ऐसी बात नहीं है दी, वजह है, और वजह वो लोग हैं जिनके कारण बुलबुल आज हमारे बीच नहीं है। थी वो लोग तो हंस रहे हैं ना हमारे हाल पर और अपनी जीत पर। देखिए मैं जानता हूँ आपके पास हंसने की कोई वजह नहीं है, ना ही मेरे पास, पर आप बुलबुल को रोने की वजह तो मत दो। रोई की ये देखकर कि जिस वजह से उसने अपनी जान कुर्बान कर दी वो मकसद अधूरा रह गया, क्योंकि उसकी बहन कमजोर पड़ गई उसके जाने के बाद। दी हमें बुलबुल के गुनहगारों को सजा देनी होगी दी, अगर हम उन्हें सजा नहीं देंगे ना तो बुलबुल की मौत का सबसे ज्यादा मजाक तो हम उड़ाएंगे ना दी। ठीक कह रहे हो पूरब, और वैसे भी इस वक्त तनु के बच्चे के असली पिता के बारे में पता लगाने से ज्यादा जरूरी है बुलबुल के कातिल को ढूंढना। मुझे इस घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए, जिसने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, उसके खिलाफ मुझे कई ठोस सबूत मिले, और मुझे शक है, सॉरी मुझे शक नहीं यकीन है। वो जो कोई भी है इसी परिवार का कोई सदस्य है, और आप में से कोई भी मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस बार मैं सजा देने नहीं बदला लेने आई। रॉनी सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो, और अगर कोई मना करे तो मुझे आकर बताओ। अगर बुलबुल तुम्हारी बहन थी तो मेरी भी तो कुछ लगती थी ना। ये मत बोलो कि इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत मैंने की थी, और अब तुम मुझे ही साइड में करके ये सब अकेले करना चाहती हो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो इंसान जो कोई भी है आपके परिवार का, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप इमोशनल होकर उस इंसान को माफ कर दें, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं अपनी फैमिली को लेकर इमोशनल हूँ, लेकिन जब बात इंसाफ की आती है ना मैं इमोशनल होता हूँ ना प्रैक्टिकल, मैं रियलिस्टिक हो जाता हूँ। मैं वही करता हूँ जो सही है। वो तो तब पता चलेगा जब उस इंसान का नाम सबके सामने आएगा। अरे तुम तो फंस गई, अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस लाइटर के फिंगरप्रिंट से मैच हुए तो तुम तो गई। स्वीरा डोंट वरी, आई हैव टेकन गुड केयर ऑफ दैट। कैसे? रॉनी जो फिंगरप्रिंट लेने आया था तब मैंने अपने ऑयल वाले फिंगर से फिंगरप्रिंट दिए, इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट्स आएंगे ही नहीं। बट मैं ये सोच रही हूँ कि वो ऐसे कौन से सबूत की बात कर रही थी, क्या हाथ लग गया उसके तनु? वो तो मुझे नहीं पता लिया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। अगर प्रज्ञा ने सच में तुम्हें गलत प्रूव कर लिया तो अभी तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप दोनों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही हमें आप दोनों के मकसद के बारे में मालूम था कि किस तरह आप एक बुरी इंसान बन के बुरे लोगों के चेहरे से नकाब उठाना चाहती हैं। हमें मालूम है दी कि कैसे आप एक बुराई का रास्ता अपना के अच्छाई कर रही हैं, और बुलबुल तो हमेशा से हमारे कॉन्टैक्ट में थी, उसी ने हमें ये सब कुछ बताया, और उसके इस कदम के बारे में भी उसी ने हमें बताया। उसने SMS किया, लिखा था कि उसके जाने के बाद हम दोनों यहाँ आकर आप दोनों को सपोर्ट करें। बस आधा घंटा है, तनु भाई को बस आधे घंटे बाहर रख पाएगी तो मुझे वो सारे सबूत इस आधे घंटे में ही ढूंढने।
ये कैसे पेपर्स है? ये तो वही पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स है जिन पे भाई ने प्रज्ञा से धोखे से साइन लिए थे। वाओ, क्या ढूंढने आई थी और क्या मिल गया? लॉटरी की जगह जैकपॉट लग गया। मतलब अगर ये पेपर्स डिक्लेयर हो गए तो प्रज्ञा पावरलेस हो जाएगी और मैं पावरफुल। फिर अगर उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल भी गया तो भी मैं वो सबूत खरीद सकती। आई कांट बिलीव कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक ही हफ्ते में मेरे दोनों दुश्मन खत्म। बुलबुल अपने आप चली गई और बेचारी प्रज्ञा को तो मैं कल थक के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगी।